ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा उपाय दे रहा हूँ जो आप सुनकर हैरान होंगे और यही कहेंगे कि इसके अंदर इतना शक्ति। तो साथियों, इस नाभि को शरीर का माँ बताया गया है। जितना ऊर्जा, इतना शक्ति इस ब्रेन को मिलता है, सब इसी नाभि से मिलता है। तो आज हम इस नाभि का चमत्कारी गुण बताऊंगा जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। और कई वीडियो मैंने नाभि का दिया हूं। तो मित्रों, नाभि इसी को बोलते हैं। इसके अंदर इतना गुण है कि इससे आप जो जो कार्य को चाहेंगे वह बड़ी आसानी से बिना तंत्र मंत्र पूजा पाठ के प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूं नाभि के द्वारा कि तरह तरह के समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। और यह उपाय ऐसा नहीं है कि हम करते हैं तो होगा नहीं, नहीं, यह बेहद कारगर उपाय है। तो आज आप देखें अपने नाभि का चमत्कारी गुण। तो मित्रों, बहुत से लोग चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयां आ जाती है जवानी अवस्था में, और लोग तरह तरह के दवा करते हैं, फिर भी यह जल्दी जाता नहीं है। लेकिन इस उपाय से यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, चेहरे पर कील, मुहासे के लिए आप नीम का तेल प्रतिदिन अपने नाभि पर लगावें सुबह शाम, फिर देखें इसका चमत्कार। अगर आप ओठ फटने से परेशान हैं, तो मित्रों होंठ फट जाते हैं लोगों को, तरह तरह के लोग क्रीम लगाते हैं, अगर ऐसा समस्या है तो आप सरसों का तेल प्रतिदिन 2 बार लगावें, आपका ओठ फटने से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि अपने चेहरे को खूब हम अच्छी तरह चमकावें, तो आप बादाम का तेल प्रतिदिन दिन में 2 बार लगावें, चेहरा चमक उठेगा। अगर चेहरे को मुलायम बनाना चाहते हैं तो देसी घी दिन में 2 बार लगावें अपने नाभि पर, चेहरा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। मित्रों, अगर चेहरे पर सफेद रंग के दाग धब्बे हो गए हैं तो आप प्रतिदिन नीम का तेल दिन में 2 बार अपने नाभि पर लगावें, चेहरे का सफेद दाग मिट जाएगा। तो मित्रों, यह नाभि के चमत्कारी गुण। तो मित्रों, यह मैं जितना सामान आपको बताया हूं, नीम का तेल, बादाम का तेल, यह पंसारी के दुकान पर आराम से मिल जाता है, देसी घी देहातों में मिल जाता है, मार्केटों में भी देसी घी मिल जाता है। तो मित्रों,
यह एक नाभि का चमत्कारी उपाय से आप तरह तरह के समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।